हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम यूज करने वाले हैं पुरानी शर्ट का, जिन शर्ट में कट लग जाता है या फिर कलर फेड हो जाता है तो उनको अक्सर हम ऐसे ही बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन आज मैं तीन आइडियाज बताऊंगी दो शर्ट का। तो देखिए, शर्ट को सबसे पहले हम नीचे की तरफ से कट करके इक्वल कर लेंगे। उसके बाद 14.5 इंच की लंबाई से हम शर्ट को बीच में से कट कर देंगे। ऊपर वाला पार्ट साइड में कर देंगे। अब इस पार्ट को देखिए, इस तरीके से बटन खोल करके हम ओपन करेंगे यहाँ से। अब देखिए, यहाँ से 12 इंच की बटन की तरफ से 12 इंच की लंबाई से हमने इसको कट कर लिया है। अब जो आई वाली पट्टी है वहाँ से कट कर देंगे। आई वाली पट्टी से 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट किया है मैंने इसको। अब इस पट्टी को देखिए, यहाँ नीचे की तरफ रखेंगे, इस तरीके से सीधी साइड मिला देंगे दोनों की और यहाँ पर इसको जोड़ देंगे सील करके। तो देखिए, मैं मशीन पर बताती हूँ, पट्टी को और इस पार्ट को दोनों की सीधी साइड मिला के मैंने रख दी है। अब यहाँ पर हम इसको अटैच कर देंगे सिलाई के साथ में। तो हुक आई की दोनों पट्टी हो गई है इसके अंदर। अब देखिए, एक राइस बैग का पीस लेंगे हम यहाँ पर और एक कुछ इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पर जो ये सिलाई मार्जिन आया है उसको नीचे की तरफ करेंगे और इसके ऊपर यहाँ पर देखिए एक सिलाई लगाते हुए इसको हम अटैच कर देंगे यहाँ पर। अब एक सिलाई इसके बीचों बीच लगा देंगे। जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि राइस बैग की और इसकी फैब्रिक की जो लंबाई है वो इक्वल है क्या। अब देखिए, हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे एक बटन के पास पास में। अब नीचे से देखिए, राइस बैग थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकल के आया है तो इसको हम कट कर देंगे यहाँ से। अब देखिए, इस तरीके से इसको हम फोल्ड करेंगे। जो आई वाली पट्टी है वो ऊपर निकाल देंगे, लगभग 2.5 इंच एक्स्ट्रा करेंगे ऊपर की तरफ और अब साइड में सिलाई लगा देंगे। तो हमारा जो राइस बैग है वो 1/2 इंच कम है तो राइस बैग के कॉर्नर कॉर्नर पे सिलाई आ रही है, ये मतलब सिलाई मार्जिन हम 1/2 इंच ले रहे हैं सिलाई मार्जिन में। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। अच्छे से कॉर्नर को बाहर निकाल देंगे सीधा करके। अब देखिए, यहाँ साइड में ये कॉर्नर इस तरीके से ओपन है तो इसको देखिए इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब दूसरी साइड भी देखिए, इसको फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो ये ऑर्गेनाइजर बनाया है मैंने मेरे बेटे की कुछ इस तरीके से ड्राइंग के जो पेज हैं वो डाल के रखने के लिए। और आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी इसमें डाल के रख सकते हो। इसके कुछ ड्राइंग के पेज हैं वो बाहर पड़े पड़े ऐसे ख़राब हो रहे थे तो देखिए इस तरीके से मैंने उनको इसके अंदर डाल दिया है, आप देख सकते हो। और अब इन बटन को हम बंद कर देंगे यहाँ से। तो अब इसकी स्कूल स्टार्ट हो जाएंगी तो ड्राइंग का काम ये थोड़ा कम करेगा अभी, इसीलिए जो है इनको इस तरीके से मैंने इसके अंदर पैक कर दिया है। जब इसको ज़रूरत होगी तब इसमें से निकाल लेगा। आप चाहो तो साइड में एक एक बटन और लगा सकते हो लेकिन आवश्यकता नहीं लग रही है। अब देखिए, जो बाकी की शर्ट बची थी उसको मैंने पूरी को कट करके ले लिया है। यहाँ पर कुछ इस तरीके के पीस कट करके आए हैं इसमें से, शर्ट में से। तो देखिए, इस तरीके से हम जोड़ेंगे इन पीस को आपस में। और इस शर्ट में लाइनिंग है तो लाइनिंग से लंबाई जोड़ देंगे तो जोड़ का पता भी नहीं चलेगा। एक्स्ट्रा इसको कट कर देंगे, चौड़ाई बराबर रखेंगे। और ये देखिए, मैंने स्लीव्स कट करके सीधी सीधी इस तरीके से पट्टी निकाली है। अब इसको यहाँ से देखिए इस तरीके से हम सील देंगे जो ओपन पार्ट है। और मैं आगे कटिंग भी दिखा दूंगी कि मैंने स्लीव्स की कटिंग किस तरीके से की है। ये देखिए, इस तरीके से दोनों पार्ट हो गए हैं रेडी।
दोनों स्लीव से कट किया हुआ पार्ट। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम जो है सीधी साइड मिलाएंगे और आधा इंच सिलाई मार्जिन में दबाते हुए हम इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगा के एक पार्ट और रेडी कर लेंगे। ये हम अब इस पार्ट को हम जोड़ देंगे, जो हमने पहले से जोड़ रखे हैं दो पार्ट उनके साथ में लंबाई में जोड़ेंगे इसको। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक लंबा पार्ट रेडी होके आ जाएगा। देखिए मैंने इस तरीके से कट की थी स्लीव्स, ये आगे से जो कफ है इनको कट करके साइड में मैंने निकाल दिया था। तो देखिए इस तरीके से स्लीव्स मैंने सीधी सीधी कर ली हैं कट करके, दोनों स्लीव्स को इसी तरीके से हमने सीधा कर लिया था। और ये अब उसके बाद देखिए इस पार्ट को कुछ इस तरीके से कट करके मैंने अलग अलग पीस कर लिए थे। तो एक पीस ये इस तरीके से हमने बना के तैयार किया है। 35 इंच की लंबाई रखी थी मैंने इस पीस की और 18 इंच की इसकी चौड़ाई है। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक राइस बैग कट किया है और इस राइस बैग की थिकनेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, कड़क है एकदम ये, और इस तरीके से रखा मैंने इसके ऊपर इस पीस को, साइड में सिलाई लगा देंगे। अब देखिए सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरीके से पलट लेंगे और अब हमें यहाँ पर टॉप स्टिच करना है साइड में से। तो यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे और दूसरी साइड भी सिलाई लगा देंगे। तो एक सिलाई यहाँ पर लगाएंगे, अब इसका सेंटर निकालेंगे यहाँ चौड़ाई से और उसके बाद हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है यहाँ पर और 2.5 इंच पर निशान लगाना है दूसरी साइड। दो मैंने तनी तैयार कर रखी है, तनी की लंबाई है 14 इंच। मैं मेजर करके दिखा देती हूँ इंची टेप से आपको, ये देखिए 14 इंच की तनी है। अब इस तनी को हम यहाँ पर रखेंगे, अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे 1/2 इंच और फिर यहाँ पर रखेंगे। जो 2.5 इंच का मार्क किया है उससे बाहर की तरफ मैंने इस तनी को रखा है और यहाँ पर इस तरीके से देखिए सिलाई से इसको अटैच कर देंगे और अच्छे से डबल साइड सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। हम दूसरा सिरा पकड़ेंगे, 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर रखेंगे। जो 2.5 इंच का मार्क है उससे बाहर की तरफ रखेंगे। अब सेम तरीके से हमें दूसरी तनी अटैच करनी है, वो दूसरी साइड अटैच करेंगे, यहाँ पर अटैच कर देंगे तनी को। अब दोनों तनी अटैच हो गई, अब इस तरीके से सीधी साइड मिलाएंगे और साइड में सिलाई लगा देंगे। सिलाई मार्जिन में मैंने इसमें 1/2 इंच दबाया है। अब पलट के दूसरी साइड सिलाई लगा देंगे, सिलाई मार्जिन में 1/2 इंच दबाएंगे दूसरी साइड से भी। उसके बाद नीचे की तरफ कॉर्नर के ऊपर मार्किंग करेंगे, 1.5x1.5 इंच की मार्किंग करेंगे ये हम। और कॉर्नर को कट करके यहां से निकाल देंगे। सेम तरीके से हमें दूसरा कॉर्नर भी कट कर लेना है, इसी पीस को रखेंगे दूसरे कॉर्नर के ऊपर और यहां से कॉर्नर को कट कर देंगे। अब इस कॉर्नर को इस तरीके से पकड़ेंगे, साथ में कपड़ा भी होना चाहिए, फैला करके इस तरीके से पकड़ लेंगे इसको यहाँ से। और यहाँ से हमको सिलाई मार्जिन में 1/2 इंच दबाना है। तो देखिए जो राइस बैग होता है उसको भी ऐसे ही फेंक देते हैं और पुरानी शर्ट हो जाती है उसको भी ऐसे ही फेंक देते हैं। तो दोनों का यूज हो गया है और ये बन जाता है बहुत ही प्यारा सा मार्केट थैला। आपको मैं फाइनल लुक भी दिखाऊंगी इसका, जब भी मैं सब्जी वगैरह बाहर से लेने के लिए जाती हूँ तो उस टाइम पर मेरे को ज़रूरत होती है थोड़ा सा मजबूत थैला हो, थोड़ा बड़ी साइज़ का हो। तो इस तरीके से देखिए मैंने ये थैला बना करके तैयार किया है। अच्छे से कॉर्नर को बाहर निकालते हुए ये देखिए ये इसका फाइनल लुक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको सेकेंड आइडिया भी पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं थर्ड आइडिया की तरफ, तीसरे आइडिया की तरफ। उसके लिए मैंने दूसरी शर्ट ली है,
शर्ट के स्लीव्स कट करके मैंने निकाल दी है दोनों तरफ से। अब जस्ट ऊपर की तरफ से कट कर देंगे, बिल्कुल जो ऊपर वाला बटन है कॉलर के पास में से इस तरीके से कट करके ऊपर से निकाल देंगे। अब नीचे से भी कट करके इसको सीधा कर लेंगे। अब हम इसको इस तरीके से उलट देंगे, उल्टी साइड बाहर करेंगे इसकी, और साइड में जो हमने स्लीव्स कट की है वहां से अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो दोनों तरफ यहाँ पर सिलाई लगा देंगे, सीधा सीधा कर देंगे इसको सिलाई लगा करके। सिलाई लगाकर मैंने इसको सीधा कर दिया है। अब देखिए हम इसको ओपन कर लेंगे बटन खोल के इसके। अब सेम साइज का हमें राइस बैग चाहिए यहाँ पर, तो राइस बैग मैंने इस तरीके से देखिए कट कर रखा है। राइस बैग की प्रिंटेड साइड ऊपर की तरफ करके इसके ऊपर हमने इस मेन पार्ट को रख के सील कर अटैच कर दिया है। फिर हम स्लीव्स के नीचे से कप कट कर देंगे यहाँ से। दोनों स्लीव्स को देखिए हम कट करके सीधा सीधा पार्ट लेंगे इसका। तो मैंने यहाँ से देखिए फटा हुआ पार्ट था वहाँ से कट कर दिया अब की बार मैंने इसको, और इस हार्ड वाले पार्ट को सीधा सीधा कट करके निकाल देते हैं। यहाँ से कमज़ोर हो गई है ये थोड़ी सी शर्ट, तो ये पार्ट कुछ इस तरीके से हो जाता है रेडी यहाँ पर। तो सेम तरीके से दूसरा पार्ट भी हम कट कर देंगे इसका। तो इस तरीके से देखिए पीस कट करके निकाल लिया स्लीव्स में से। 12 इंच इसकी लंबाई है यहाँ से, और चौड़ाई इसकी 10 इंच में से 2 पॉइंट कम है। सेम साइज का दूसरा पीस भी हमने कट कर लिया है यहाँ पर। अब मैं कट करके दिखा रही हूँ, इसी तरीके से मैंने पहले वाला पीस कट किया था स्लीव्स में से। अब देखिए राइस बैग के साथ में अटैच कर लिया हमने, दो यहाँ पर स्ट्रिप तैयार करके मैंने अटैच कर दी है यहाँ पर 6 इंच लंबाई स्ट्रिप की। फिर इसका सेंटर पार्ट निकालेंगे दोनों तरफ से। दोनों पार्ट के ऊपर ये मार्किंग कर देंगे हम। तो आप देख सकते हो तीनों बैग के अंदर जो है मैंने राइस बैग का यूज किया है। जो राइस बैग हमारे घरों में ऐसे ही पड़े रहते हैं, राइस बैग हो, आटा गेहूं की चावल की जो भी बोरी हो आपके पास, उसका यूज कर सकते हो। अब देखिए ऊपर से इस तरीके से बटन को बंद करके फिर हम सेंटर निकालेंगे यहाँ से। बटन को बंद कर देंगे, आप चाहो तो बटन को बंद कर सकते हो पहले, फिर इसका सेंटर निकालेंगे यहाँ से। अब ये सेंटर आ गया है इसका इस तरीके से। अब इस पार्ट का ये सेंटर ही सेंटर से मिलाएंगे, यहाँ पर सील कर अटैच कर देंगे। सेम तरीके से दूसरा पार्ट भी सील करके अटैच कर देंगे। आप देखिए इसको साइड में से सीलेंगे इस तरीके से, और इस तरफ से भी सील देंगे। दोनों तरफ से सील गया ये पार्ट, दूसरा पार्ट भी सील देंगे। अब सिलने के बाद हम इसको इस तरीके से साइड से भी सील देंगे। ये देखिए जो ओपन है उसको पूरे को साइड में से सील देंगे, आधा इंच अंदर की तरफ करते हुए पूरे में सिलाई लगा देंगे दोनों तरफ। सिलाई लगाने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे। तो जो तीन ऑर्गेनाइजर मैंने बनाए हैं, तीनों ऑर्गेनाइजर ऐसे हैं कि हमारे बहुत ही ज्यादा काम के हैं। इसके अंदर आप चाहो तो कपड़े स्टोर करके रख सकते हो। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ऊपर से बटन बंद हो जाएंगे तो धूल मिट्टी भी नहीं जाएगी इसके अंदर। और आप चाहो तो इस तरीके से, ये देखिए इसके अंदर मैंने बच्चे की बुक भर के रखी हैं जो कि एक्स्ट्रा होती हैं, तो आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हो। मैं उम्मीद करती हूँ तीसरा आइडिया भी आपको जो है ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय।